मेरा नाम दीपायन है, मेरी पत्नी कस्तूरी, हम लोग गुड़गांव के रहने वाले हैं। हम लोग 1 तारीख को आगरा आए थे, ताजव्यू होटल में रुके हुए हैं। हम लोग हमारे साथ अपने 2 पेट डॉग्स को लाए थे, क्योंकि ताजव्यू एक पेट फ्रेंडली होटल है और उनके पास पेट सिटिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है। हम लोग 3 तारीख यानी रविवार सुबह 8:30 बजे हमारे 2 डॉग्स को ताज होटल के हवाले करके फतेहपुर सीकरी गए थे, क्योंकि इनके पास पेट सिटिंग सर्विस है। 11:30 बजे हमारे पास कॉल आई थी कि हमारी एक डॉग ग्रे हाउंड भाग गई है। हम लोग तुरंत वापस आए, 1 बजे करीबन पहुंचे हम लोग ताजव्यू वापस। फिर आके पता चला कि वो 9:30 बजे सुबह भाग गई थी और उसको लास्ट ताज मेट्रो स्टेशन के पास 9:30 बजे के आसपास सीसीटीवी पे देखा गया था। हम लोग पिछले 1.5-2 दिन से उसको ढूंढे जा रहे हैं। कल रात को ACP ताज टूरिस्ट पुलिस से भी मुलाकात हुई थी और मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट भी फाइल हो रही है। हम ये पोस्टर्स हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10,000 रूपये का इनाम है जो भी हमें लौटा पाए हमारे डॉग। आपसे विनती है कि हमारी मदद करें, अगर और कुछ भी कहीं भी दिखे तो इन 2 नंबर पे आप प्लीज कॉल कीजिएगा। ये देसी डॉग है, काली रंग की है, बाल वाली है, थोड़ी हिमाचली दिखती है और इसका नाम ग्रे हाउंड है। चिप भी है उसके गर्दन में, एक चिप है जो कोई भी वेटरनरी सर्जन, उनके पास एक स्कैनर होता है, उससे अगर स्कैन करेंगे तो नंबर दिख जाएगा। वो न्यूटर्ड भी है और वैक्सीनेटेड है, काटती नहीं है, प्यार से बुलाने पे आपके पास आ जाएगी। अगर दिखे तो प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, धन्यवाद। देखिए, 2 पर्यटक जो दिल्ली से आगरा घूमने आए थे, मूलतः पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक होटल की पेट सिटर सर्विस को पेमेंट बेसिस पर 2 डॉग्स दिए थे रखने के लिए और वो फतेहपुर सीकरी घूमने गए थे। जब वो फतेहपुर सीकरी घूम कर वापस आए तो उन्होंने ये पाया कि उनका एक डॉग वहाँ से गायब है। वो डॉग जो कि इसका नाम ग्रेहाउंड है और वो 9 वर्ष की उम्र का था, और उस वो वहाँ से गायब मिला। उन्होंने उसे ढूंढने का भी प्रयास किया, फिर उन्होंने थाना पर्यटन में इसकी शिकायत करी, उनको गुमराह रखा गया कि पुलिस में कंप्लेन की गई है जबकि नहीं की गई थी। थाना पर्यटन में शिकायत प्राप्त होने पर मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई और उसके बाद अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। अब अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी।